हाय गाइस, मेरे पास दो डिवाइस है। एक है वन प्लस का नॉट एंड दूसरा वन प्लस का ही वन सेवन, जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था 2019 मार्च के महीने में। एक्चुअली इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर आता है, इसमें स्नैपड्रैगन 765 जी। तो एक लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर था और ये इस साल का एक अपर मिड रेंज प्रोसेसर। कैसे दोनों कम्पीट कर पाता है तो इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले एक जस्ट हम थोड़ा सा ग्लिम्स देख लेते हैं इन हैंड फील का। एक्चुअली ये ग्रे कलर है और इसको, ये भी ग्रे है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक्चुअली फिंगरप्रिंट मैग्नेट है क्योंकि बहुत ही ग्लॉसी कलर है, बट ये ऐसा नहीं, ये एक मैट फिनिश कलर है। बट दोनों का डिस्प्ले साइज बिल्कुल सिमिलर है। वन प्लस सेवन 6.45 इंचेस का आता है और वन प्लस नॉट 6.44 इंचेस का आता है। बट जो एक्चुअली ये वन प्लस सेवन है ना, थोड़ा सा एक्चुअली विड्थ ज़्यादा है तो उतना हाथ में उतना कंफर्ट फील नहीं होता। बट नॉर्ड में ऐसा नहीं, नॉर्ड बहुत ही पतला है तो हाथ में इन हैंड फील भी बहुत अच्छा है और हैंड में कंफर्टेबल भी फील होता है। तो एक्चुअली इसमें दोनों में भी आपको अलर्ट स्लाइडर मिल जाएंगे। बट अगर हम इसके बटन्स और अलर्ट स्लाइडर की क्वालिटी की बात करूँ तो इसका जो वन प्लस सेवन का मच बेटर है। जब भी आप कोई क्लिक करते हो या जो अलर्ट स्लाइडर यूज़ करते हो, आप अलर्ट स्लाइडर यूज़ करते हो तो अलग ही प्रीमियम फील आता है, स्टडी फील होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, नॉर्ड में थोड़ा सा चीप फील होता है। एंड एक बात आप याद रख लगा, जो आपको साइड में फ्रेम्स मिल रहा है ना, वो इसमें प्लास्टिक है वन प्लस नॉर्ड में, और वन प्लस सेवन में आपको इसका मेटल का मिलेगा जो कि एलुमिनियम है। तो इसमें थोड़ा सा बहुत ही स्टडी फील होता है वन प्लस सेवन, तो ऐसा है। तो नेक्स्ट हम जस्ट एक फिंगरप्रिंट देख लेते हैं। तो थोड़ा सा फास्ट है वन प्लस सेवन। तो आप सामने डिस्प्ले को देख लो, एक्चुअली वन प्लस नॉर्ड नए पंच होल डिजाइन के साथ आता है जो कि बहुत ही न्यू और मॉडर्न दिखता है। बट वन प्लस सेवन ऐसा नहीं है, इसमें आपको नॉच मिल रहा है जो कि ओके, इस दोनों में डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं, बट जो एक स्टाइल में जो मॉडर्न दिखता है वो वन प्लस नॉर्ड का है। तो थोड़ा बहुत ही बेटर दिखता है और पतला भी है ओवरऑल उसका जो अभी बेजल्स है, तो इसमें वन प्लस नॉर्ड बेटर है। एंड आपको एक थोड़ा सा इधर डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको वन प्लस सेवन में 855 तो मिलता है, बट इसमें आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। बट वन प्लस नॉर्ड में मिड रेंज प्रोसेसर है, हाई एंड मिड रेंज, बट इसमें आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाएगा और 180 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जिससे कि जो एक्सपीरियंस है ना और बेटर हो जाता है। एक्चुअली जो स्मूथनेस की बात करूँ तो स्क्रोलिंग करते समय कुछ आप यूट्यूब में हो गया या इंस्टाग्राम में कुछ स्क्रॉल करोगे तो ऑब्वियसली 90 हर्ट्ज का वन प्लस नॉट बेटर लगेगा। टच रेस्पॉन्स भी थोड़ा सा बेटर लगता है इससे। बट जब थोड़ा सा ऐप ओपनिंग स्पीड में थोड़ा सा ये वन प्लस वन बेटर है, ऑब्वियसली ऐसा ही होना है क्योंकि इसका प्रोसेसर फ्लैगशिप है। तो डेली लाइफ में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट जब आप दोनों के साथ कंपेयर करोगे तो ये बेटर लगेगा आप लोगों को। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में दोनों में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट रॉ परफॉर्मेंस में जैसे गेमिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ओवरऑल हैवी यूसेज हो गया, तब आपको वन प्लस सेवन में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस ऑब्वियसली। बट अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, आप आराम से यूज कर सकते हो। इसमें थोड़ा बेनिफिट ये है कि ये 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आता है फ्रेम रेट और 180 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स, तो थोड़ा सा एक बेनिफिट देता है। बट आपको देखना है, आपको एक फ्लैगशिप प्रोसेसर चाहिए गेमिंग के लिए और हैवी यूजिंग के लिए, या आपको एक ओवरऑल नॉर्मल यूजर हो, आपको ओवरऑल एक पैकेज चाहिए। और वन प्लस सेवन में आपको 20 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, बट इसमें वन प्लस नॉट में आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर मिल रहा है, तो इसमें भी एक बेनिफिट और है। कैमरास में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। अगर वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे वीडियो क्वालिटी में वन प्लस सेवन का बहुत ही बेटर लगा, क्योंकि पहले इतना अच्छा नहीं था, बट अपडेट के बाद वन प्लस सेवन में वीडियो क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी बहुत ही इम्प्रूव हुआ है। बट वन प्लस नॉट अभी नया डिवाइस है ना, थोड़ा सा फोटो और वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट वन प्लस जल्दी फिक्स कर देगा। वन प्लस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि अपडेट के बाद वन प्लस का परफॉर्मेंस भी अच्छा कर देता है और कैमरा क्वालिटी बढ़ा देता है, तो इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। तो एक्चुअली वन प्लस नॉट आपको 28,000 स्टार्टिंग प्राइस, 25,000 स्टार्टिंग प्राइस में मिलता है, बट वो 25,000 का अभी तक नहीं आया, जो कि 6GB एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जो कि इस टाइम में 64GB इंटरनल स्टोरेज लेना स्मार्ट चॉइस नहीं होगी। आपको इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड नहीं मिलता बिल्कुल, तो
आप 8 GB और 128 GB का 28,000 का लेने जाओगे, तो वन प्लस सेवन में ऐसा नहीं, आपको अभी मिल रहा है 30,000 में 6 GB एंड 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है। तो डिफरेंसेस है इसमें दोनों में, रैम में तो और थोड़ा सा 2,000 का प्राइस में डिफरेंसेस है, बट आपको देखना है कि इसमें क्या आपको क्या लेना है। एक्चुअली आपको एक हैवी यूज़र हो तो आप इस पे जा सकते हो, और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो और पैकेज डिवाइस चाहिए तो आप वन प्लस नोट पे जा सकते हो। तो एक्चुअली मैं आप नेक्स्ट थोड़े दिन बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, वन प्लस नॉट वर्सेस रेडमी K20 Pro। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।